नमस्कार दोस्तों, आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल की वीडियो बनाऊं, तो बनाने मैंने आपके लिए वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल के कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं, वो कितने मार्क्स के आते हैं, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किन टॉपिक्स के ऊपर आपको ज्यादा जोर देना है। तो इन सब को बहुत अच्छे से समझने के लिए और कॉस्ट अकाउंटिंग में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए इस वीडियो को देखेगा आखिर तक। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडोट्रिक्स। तो सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन या फिर जनरल प्रिंसिपल्स। अब ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन सभी चैप्टर्स के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी हैं थ्योरी की, कॉन्सेप्ट की और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की भी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से ये सारी वीडियोस देखकर आप घर बैठे बहुत आसानी से आसान भाषा में और पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर देगा आपको 5 से लेकर 10 नंबर तक। इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम थ्योरी आती है और प्लस प्रैक्टिकल भी आता है, ऐसा प्रैक्टिकल जो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग का बेस है, जिसके आधार पर और आपके बाकी के कुछ और चैप्टर्स भी होने वाले हैं। और इस प्रैक्टिकल को समझे बगैर कॉस्ट अकाउंटिंग को समझना असंभव है। तो अगर हम देखें डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, भाई कॉस्ट क्या होती है, कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी और कॉस्ट ऑडिट के अंदर डिफरेंस क्या क्या है। कॉस्ट क्या होती है, किसी भी चीज को बनाने में जो खर्चा आया वो उसकी कॉस्ट होती है। कॉस्टिंग क्या होता है, किसी चीज को बनाने में जो खर्चा आ रहा है उसको कैलकुलेट करना कॉस्टिंग कहलाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबको प्रिपेयर करना, मैनेज करना कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी एक पूरा सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है जिनको फॉलो करते हुए कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। और कॉस्ट ऑडिट, जब कॉस्ट अकाउंट सारे बन जाते हैं फिर उन सबको चेक करना, वेरीफाई करना कि वो ठीक से बने हैं या नहीं, ये कॉस्ट ऑडिट होता है। बहुत बच्चे इन सब के अंदर कंफ्यूज होते हैं, आपकी कंफ्यूजन मैंने आज दूर कर दी। इसके बाद अगर देखें डिफरेंस वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो दो मेन क्वेश्चन आप यहां से तैयार कीजिए कि कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि कंपनी अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहती है, उसने एक टारगेट बनाया है कि जैसे 2.5 रुपए कॉस्ट आ रही है तो उसको 2 रुपए पर लेकर आना है। इसको करने के लिए कंपनी कई सारे टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल करती है और कॉस्ट को कम करने की कोशिश करती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अब यहां पर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो डाउन हो सकती है, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन क्या है, ये एक रेगुलर प्रोसेस है। एक्चुअली ये कॉस्ट कंट्रोल का रिजल्ट होता है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल में क्या होगा कि बार बार कोशिश करेंगे, कभी थोड़ा पास होंगे कभी थोड़ा फेल होंगे, जो 2.5 रुपए की कॉस्ट है वो एकदम से 2 रुपए पर नहीं आ पाएगी, बहुत धीरे 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 करके आएगी और जब फाइनली वो आ जाएगी तो उसको बोलेंगे कॉस्ट रिडक्शन हो गया। और कॉस्ट रिडक्शन में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। फिर एक हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, ये प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले से ही शुरू हो जाती है एडवांस में, सबसे पहले जो अकाउंटिंग होती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, जब सब कुछ हो जाता है पूरे साल में, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो सब जब हो जाती है वो सिर्फ उन सबको रिकॉर्ड करना, जिसको बोलते हैं पोस्टमार्टम ऑफ डेटा, तो वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजर्स को डिसीजंस लेने हैं तो वो इन दोनों फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से जो डाटा मिलेगा उसके बेस पर ये लोग डिसीजन लेंगे, जो मैनेजर कैटेगरी है वो डिसीजन लेंगे। तो डिसीजन लेने के लिए वो जितना भी सब टूल्स या टेक्निक्स अकाउंटिंग यूज करते हैं, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर हमारे पास एक आखिरी क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन या एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। जब तक आप ये कॉस्ट का क्लासिफिकेशन, इसका जो बाइफरकेशन है, आप इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको आप नहीं समझेंगे तब तक आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। और यहां से एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है और वो है कॉस्ट शीट।
कॉस्ट शीट के अंदर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का अपना एक पूरा प्रोसीजर है, फॉर्मेट है। इन सब की वीडियोस अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से आराम से ये सारी वीडियोस देखिए। इसके बाद आता है हमारा दूसरा चैप्टर मटेरियल का, जो देगा आपको 5 से लेकर 10 नंबर तक। इसके अंदर जो मेन डेफिनेशन है आपको ये पता होनी चाहिए, और ये सिंपल है। मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल, ईओक्यू, रीऑर्डर क्वांटिटी, एवरेज लेवल, इन्वेंटरी कंट्रोल। मैक्सिमम लेवल का मतलब है कि कंपनी को अपना मटेरियल मैक्सिमम किस स्तर तक, लेवल तक रखना चाहिए। मिनिमम लेवल के कम से कम इतना, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, मिनिमम इतना लेवल स्टॉक का रहे। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है वो लेवल जहां पर आपको कंपनी को दोबारा फिर से अगला ऑर्डर प्लेस कर देना है। डेंजर लेवल होता है जो कि मिनिमम लेवल से नीचे होता है, कि जिसको आप जैसे बोल सकते हैं कि गाड़ियों के अंदर रिजर्व होता है, तो ये डेंजर लेवल है। अगर ये यहां तक नीचे चला गया तो अब आपका प्रोडक्शन प्रोसेस रुकने लग जाएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है कि आप एक साल में कितनी बार ऑर्डर करें जिससे आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए, कम से कम हो जाए। री ऑर्डर क्वांटिटी, जब आप दोबारा ऑर्डर करेंगे तो कितनी क्वांटिटी आप उसको ऑर्डर करें। कई बार ईओक्यू और री ऑर्डर क्वांटिटी सेम अमाउंट लिया जाता है। एवरेज लेवल का मतलब होता है जो मैक्सिमम और मिनिमम लेवल है, इन दोनों के बीच का लेवल, यानी कि एवरेज लेवल आप दोनों को प्लस करके हाफ कर सकते हैं। फिर इन्वेंटरी कंट्रोल है कि आप अपने स्टॉक जो है इन्वेंटरी उसको कंट्रोल करने के लिए आप कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर दो तरह की टेक्निक्स आपकी यूज होती है, एबीसी और ईओक्यू। फिर आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। अब ये जो मैंने आपको बताया ऊपर, अभी आपको मैक्सिमम मिनिमम रीऑर्डर लेवल ईओक्यू ये चीजें कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इनके फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, उससे आपको ये प्रैक्टिकल आराम से हो जाएंगे। फिर एक दूसरे तरह का क्वेश्चन आता है इसमें से, स्टोर लेजर का, जिसके अपने कुछ मेथड्स हैं, जैसे फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, पीरियोडिक सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, पीरियोडिक वेटेड एवरेज, स्टैंडर्ड प्राइस। तो इन सब की वीडियोस भी मैंने बना रखी है हर मेथड पर, आप जाइए और मजे से वो वीडियोस देखिए। अब आता है चैप्टर नंबर 3, ये है डायरेक्ट लेबर एंड एक्सपेंसेस का। ये आपको देगा 4 से 6 नंबर। तो थ्योरी आती है थोड़ी यहां पर और छोटे छोटे से यहां प्रैक्टिकल है। तो अगर हम देखें यहां पर डिफरेंस किसमें देखने को मिलता है, वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर में क्या डिफरेंस है, छोटा सा क्वेश्चन कई बार आ जाता है। देखिए, डायरेक्ट लेबर का मतलब है जो डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है प्रोडक्शन में, और इनडायरेक्ट लेबर है जो इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है प्रोडक्शन में। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। एक लेबर है जो शू बनाने की मशीन के ऊपर काम कर रहा है, वो डायरेक्ट लेबर हो गया क्योंकि वो डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। और एक सुपरवाइजर है जो दूर बैठा बस इंस्ट्रक्ट ही करता रहता है कि अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, अब आपको वो करना है। तो ये जो सुपरवाइजर है ये कहलाएगा इनडायरेक्ट लेबर। इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, भाई आइडल टाइम क्या होता है और इसके कारण क्या है। कुछ समय ऐसा होता है कंपनी के अंदर या फैक्ट्री के अंदर जो समय बर्बाद होना ही होना है, उसको आप रोक नहीं सकते, तो उसको आइडल टाइम बोलते हैं। अब इसके कौन कौन से कारण है तो वो आप थ्योरी से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि लेबर टर्नओवर क्या होता है और इसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि किस रेट पर किसी भी फैक्ट्री के जो लेबर्स हैं वो बदल रहे हैं, यानी छोड़ के जा रहे हैं और दूसरे नए आ रहे हैं। अगर ये बोले कि किसी फैक्ट्री का, किसी कंपनी का लेबर टर्नओवर बहुत हाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत जल्दी जल्दी उसके लेबर चेंज हो रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। अब इसको कम करने के लिए अपने कुछ तरीके हैं, वो आप बुक से देख सकते हैं। फिर आता है डिफरेंट वेज पेमेंट मेथड्स, भाई कौन कौन से हैं। अब मेथड तो कई हैं, जिसमें से दो मेन इस प्रकार है। एक तो हो गया टाइम वेज सिस्टम, जिसमें टाइम के हिसाब से पेमेंट होती है, जैसे मान लीजिए 50 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से। एक दूसरा तरीका है वो है पीस वेज सिस्टम, यानी जितना माल आप बनाएंगे, जितने पीस बनाएंगे, जितने यूनिट्स बनाएंगे, उस हिसाब से पेमेंट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 50 रुपीज पर शर्ट, इस तरह से। फिर इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं इंसेंटिव प्लान्स के ऊपर। यहां पर आपके पास कुछ प्लान है, जैसे हेल्थ प्रीमियम, रोमन प्लान, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट, मैरिक मल्टीपल पीस रेट एंड हाइंस प्लान। इनमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके हेल्थ प्रीमियम प्लान और रोवन प्लान। बाकी तो ऐसे ही हैं, कभी आ गए कभी नहीं आए, बहुत ही कम आते हैं। हेल्थ और रोवन पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगला चैप्टर आता है चैप्टर 4, ये है ओवरहेड्स।
इसमें हमारे पास डिफरेंस आता है अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, मतलब कभी खर्चे कम ले लिए और कभी खर्चे ज्यादा ले लिए। तो इसकी थ्योरी आप बुक से ही पढ़िएगा, मैं बहुत ज्यादा इस पर नहीं बताने वाला हूं। इससे एक ही मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, वो आता है मशीन और रेट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप किसी भी स्तर पर चले जाइए कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ने के लिए, वहां पर मशीन और रेट का क्वेश्चन आता है, मतलब एक मशीन के ऊपर एक घंटे का कितना खर्चा आ रहा है, इसलिए बोलते हैं मशीन और रेट। और इसके प्रैक्टिकल जरूर पेपर के अंदर आता है, इसे आप स्ट्रांग करके चलिए, भले ही आप इसकी थ्योरी छोड़ दीजिए। अगला चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 5, ये है सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। अब इसमें आपको बनाना होता है, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही इससे आता है, इसमें आपको कॉस्ट शीट बनानी होती है और प्रोडक्शन अकाउंट बनाना होता है। कॉस्ट शीट वैसे ही बनती है जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम वहां पर पढ़ते हैं, तो फॉर्मेट तो वही है। फिर इसमें अलग क्या है, नया क्या है, बस यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट को बनाने का खर्चा कितना आ रहा है, उसके लिए हम जो हमारी जो टोटल कॉस्ट आई है उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल प्रोडक्शन से। और ये चैप्टर जो 1 है उसी का एक्सटेंशन है जो हमारा चैप्टर 1 है जनरल प्रिंसिपल, तो अगर वो आपको आता है तो ये भी आपको आराम से आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अगला चैप्टर आता है जॉब बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये 3 तरह की कॉस्टिंग है जो लगभग देखने में जैसी लगती है लेकिन इनके अंदर डिफरेंसेस है। जॉब का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर काम करने की कॉस्टिंग। अब जॉब कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर जॉब यानी कि एक पर्टिकुलर काम को लेकर उसकी कॉस्टिंग की जाती है। जैसे किसी शर्ट को सिलने के लिए अगर कहीं पर किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री के अंदर जाता है, उनका काम सिर्फ शर्ट्स को सिलना ही है, शर्ट्स कट कर आती है, कटिंग होकर आती है और वो लोग सिर्फ उसको सिर्फ स्टिच करते हैं, उसको सिलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक पर्टिकुलर जॉब हो जाएगा। अब इस जॉब की अगर कॉस्टिंग करेंगे तो ये बन जाएगा आपका जॉब कॉस्टिंग। फिर आपके पास बैच है, बैच जैसे कि मान लीजिए आपके बहुत सारे कॉस्मेटिक्स हैं या खाने पीने की चीजें हैं, जैसे आपके कॉस्मेटिक्स हैं तो वो एक पर्टिकुलर एक कंटेनर के अंदर बहुत बड़े टैंक के अंदर सारे केमिकल्स मिला के फिर वो एक क्रीम बनाई जाती है। अब ये जो क्रीम एक साथ बनी है तो इससे मान लीजिए अगर 1,00,000 ट्यूब इससे बन जाती है तो वो सबके ऊपर एक ही बैच नंबर होगा। अगर इनमें से कोई एक ट्यूब खराब है तो यानी कि वो सारी की सारी ट्यूब खराब है, क्योंकि वो सारी की सारी ट्यूब एक ही साथ बनी थी। तो इस तरीके से जो अब ये कैलकुलेशन हो रही है कि ये एक कंटेनर की कॉस्टिंग कितनी आई, एक बैच की कॉस्टिंग कितनी आई, तो उसको बोलते हैं जी आपकी बैच कॉस्टिंग। फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इसके अंदर आपका जो प्रोडक्शन होता है वो कई सालों तक चलता है और कई हिस्सों में चलता है, टर्म वाइज चलता है। जैसे किसी ब्रिज को बनाना है, अब किसी ब्रिज को बनाना है तो वो एक साल में तो काम पूरा होने वाला है नहीं, ये कई सालों तक चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, थोड़ा थोड़ा काम बनेगा, थोड़ा थोड़ा सर्टिफाई होगा, थोड़े थोड़े की पेमेंट आएगी, फिर और आगे थोड़ा थोड़ा बनेगा, थोड़े थोड़ा सर्टिफाई होगा और फिर उसकी थोड़ी थोड़ी पेमेंट आएगी। तो ये जो तरीका है ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। तो इसमें आपके यही मीनिंग पते होने चाहिए, तो इन पर ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो वो आपका आता है जी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपने बनाना है, तो ये भी एक अपने आप में थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। अगर जिन बच्चों को अकाउंट्स में थोड़ा हाथ तंग है तो अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन को, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्वेश्चन को अगर एंड में करें तो उनके लिए ठीक रहेगा, कि समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। आइए अगले चैप्टर पर, ये है प्रोसेस कॉस्टिंग। इसका क्वेश्चन भी पेपर में जरूर आता है, ये आपको टोटल देगा 8 से लेकर 10 नंबर तक। और इसमें डिफरेंसेस आपको पढ़ने हैं जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या है, ये दोनों देखने में जैसे लगते हैं। अब प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस, कोई भी एक जो प्रोडक्ट है वो कई अलग अलग तरह के प्रोसेस से होके गुजरता है, तो उसमें जो सिर्फ एक पिन पॉइंटेड प्रोसेस है सिर्फ उसी की कॉस्टिंग की जाती है। फिर हमारे पास रहता है डिफरेंस अगला बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट का। अब जो बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है कि बना तो मेन प्रोडक्ट रहे हैं, अब उसके साथ में कोई दूसरा एक प्रोडक्ट और बन जाता है अपने आप एक्सीडेंटली, एक्चुअली वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन वो अपने आप बनता ही बनता है। फिर जॉइंट प्रोडक्ट होता है, उसके अंदर हम जानते हैं कॉन्शियसली हम जानते हैं कि ये दो प्रोडक्ट जो है वो एक साथ बनेंगे, तो ये होता है जॉइंट प्रोडक्ट। और इसके बाद हमारे पास जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल आता है आपके प्रोसेस अकाउंट का। यहां पर आपको 2 या 3 प्रोसेस वाला क्वेश्चन आपको आता है, यहां पर आपको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाना आना चाहिए। इसके बाद हमारा 8वां चैप्टर है ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग का। अब इसके अंदर क्या होता है, जनरली ये चैप्टर है जो ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग वाले जो फील्ड है तो वहां पर इसका इस्तेमाल होता है,
जैसे मान लीजिए किसी को ट्रांसपोर्ट में अपनी बस चलानी है, अब वो ये जानना चाहता है कि एक पैसेंजर की कॉस्ट उसकी कितनी आ रही है, वो भी पर किलोमीटर। तो बस इसे कैलकुलेट करने के लिए जो कॉस्टिंग है वो हमारी ऑपरेटिंग या फिर सर्विस कॉस्टिंग है। और इसमें बस आपका ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, आप इसी पर ध्यान दीजिए। अब है हमारा चैप्टर 9, यह रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। देखिए किसी भी कंपनी के अंदर ये दोनों डिपार्टमेंट अलग होते हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और कॉस्ट डिपार्टमेंट। ये दोनों अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी कैलकुलेशन करते हैं और प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इन दोनों के प्रॉफिट में आते हैं डिफरेंसेस। जो डिफरेंसेस आते हैं उनको मिलाने के लिए, उनको रिकंसाइल करने के लिए हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे बोला जाता है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो इसी पर ही आपकी थोड़ी सी थ्योरी आती है जो कि कम इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है, मैंने आपको बता दी क्या होती है। एक अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जो ये डिफरेंसेस आ रहे हैं ये डिफरेंसेस के कारण क्या है, दोनों के प्रॉफिट के अंदर जो डिफरेंसेस हैं तो ये डिफरेंस के रीजंस क्या है, कारण कौन कौन से हैं। कारण हो सकते हैं जैसे मान लो एक ने एंट्री कर ली, दूसरे ने एंट्री नहीं की, एक ने अमाउंट ज्यादा ले लिया, दूसरे ने अमाउंट कम ले लिया, दोनों के कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग होता है क्लोजिंग स्टॉक को। तो इस तरह के रीजंस हैं, तो वो आप बुक से देख लीजिएगा। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका आता है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से। अब इसमें क्या होता है जी, इसमें आपको जनरली ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होता है और कॉस्ट शीट बनाने के लिए कुछ डाटा दिया होता है। तो आपको कॉस्ट शीट बनानी होती है और फिर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना होता है, या फिर अगर थोड़ा आसान कर दें अगर तो आपको दोनों का डाटा दिया होगा और आपको सिर्फ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी होगी। अब क्या होता है कि कॉस्ट शीट क्योंकि इस चैप्टर में भी कवर हो जाती है, तो इसलिए कॉस्ट शीट के ऊपर फुल फ्लैज क्वेश्चन आना थोड़ा कम इंपॉर्टेंट लगता है और रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से क्वेश्चन आना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में जो आप कॉस्ट शीट सीखते हैं उसे सीखे बिना इसको समझना असंभव है, तो आपको कॉस्ट शीट भी आनी चाहिए। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है जी बजटरी कंट्रोल। ये आपको देगा 6 से लेकर 10 नंबर तक। यहां पर आपको बस थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए बजट और बजटरी कंट्रोल क्या होता है। बजट तो हम अपनी डेली लाइफ में हर कोई बनाता है, ऐसा कोई भी नहीं है जो बजट ना बनाता हो। आप एडवांस में सोचकर चलते हैं कि आपके पास कहां कहां से क्या क्या पैसा आ सकता है और उसका आपने कहां कहां क्या क्या खर्चा करना है। आपके मम्मी पापा आप खुद हर छोटी से छोटी चीज के लिए भी आप बजट बनाते हैं। मूवी भी देखने जाना है तो उसके लिए भी आप बजट बनाते हैं कि कहां कहां से हमें कौन कौन कितने पैसे दे सकता है और किन किन चीजों के ऊपर हमारा कितना कितना पैसा खर्च होगा। तो इन सब का रिसिप्ट एंड पेमेंट्स का एडवांस में कैलकुलेशन करना ही बजट कहलाता है। फिर इसको जो आप बनाते हैं तो इसको जो बनाने के टूल्स एंड टेक्निक्स है उसी को बोलते हैं आपका बजटरी कंट्रोल। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं जी कि बजटरी कंट्रोल के फायदे और नुकसान बताइए। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बजट्स कितने तरह के होते हैं, जैसे आपका सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, जीरो बजट। जीरो बजट पर स्पेशली कई बार क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन जीरो बजट, या इस पर शॉर्ट नोट भी बहुत पूछ लेते हैं, शॉर्ट नोट ऑन जीरो बजट। तो इसके बाद आपको कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत आता है। वैसे तो बजट कई सारे हैं लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप इन्हीं दोनों बजट पे कीजिएगा, कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट पर। अब है हमारा आखिरी चैप्टर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके बिना जो हमारी कॉस्टिंग है वो बिल्कुल ही आधी अधूरी रह जाती है, मार्जिनल कॉस्टिंग। ये आपको देगा 8 से लेकर 10 नंबर तक। यहां पर आपको कुछ चीजों के मीनिंग पता होना चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट को सिंपली बोलूं तो ये है वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करना आपका मार्जिनल कॉस्टिंग कहलाता है। डायरेक्ट कॉस्टिंग क्या होती है कि जब हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं और उसके बेस पर आगे चलकर कैलकुलेशन करते हैं तो उसको डायरेक्ट कॉस्टिंग बोलते हैं। डिफरेंशियल कॉस्टिंग, जब आपके पास दो अल्टरनेटिव्स होते हैं और आप इन दोनों की कैलकुलेशन करते हैं डिफरेंसेस लेते हुए, उसको डिफरेंशियल कॉस्टिंग कहते हैं। डिफरेंसेस क्या पढ़ने हैं आपको, आपको पढ़ना है मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो मार्जिनल कॉस्ट है यानी कि वेरिएबल कॉस्ट, सिर्फ उसी को ही सेल के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को ही सेल के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब करेंगे सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट और उससे मिल जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये बात हुई मार्जिनल कॉस्टिंग की, वो कहता है कॉन्ट्रीब्यूशन आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होगी तो वो क्या करेगा, सेल माइनस
वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दोनों एक साथ, अब जो आएगा अब वो प्रॉफिट है, तो दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से क्या आ सकते हैं भाई, पीवीआर बताओ क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है। ब्रेक इवन एनालिसिस पूरा आपको पढ़ना चाहिए चार्ट के साथ, इसके फायदे और नुकसान भी, फिर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के भी फायदे और नुकसान पढ़ने चाहिए, ये पेपर में थ्योरी में आते हैं जिन यूनिवर्सिटीज को इस चैप्टर से थ्योरी देनी है। अब आपको अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं तो क्या क्या करेंगे, अगेन आपको करना होगा ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी या सेल निकालनी है, इस तरह से कई एलिमेंट्स वो आपको निकालने के लिए दे देता है। तो दोस्तों ये थे कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप अगर इनको थोड़ा फॉलो करके चलेंगे तो आपकी जो स्टडी है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा और थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी आप कर पाएंगे। तो आप फॉलो करिएगा इसको और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके लिए कहां तक फायदेमंद साबित हुए। इसी तरह की वीडियोस और स्टडीज के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।